नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आज मैं आपको ले चलूंगी कर्नाटक के असली मुद्दों की ओर। ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए कि असल में कर्नाटक में और खास तौर से बेंगलोर में जो श्रमजीवी जनता है उसके मुद्दे क्या हैं। ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि लगातार कर्नाटक का चुनाव धर्म धर्म और धर्म पर केंद्रित होता जा रहा है और इसकी कमान संभाल रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी जी ने जिस तरह से बजरंग दल को बजरंग बली से यानी हनुमान से जोड़कर पूरी तरह से कर्नाटक के मतदाताओं को धर्म के आधार पर वोट देने के लिए उकसाने वाला काम किया है, वह निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है क्योंकि अब लोग यह भूलना चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि लोग भूल जाएं कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके ऊपर भीषण करप्शन के आरोप, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी इस सरकार के बारे में लोग ना बात करें, लोग बात करें हनुमान की, लोग बात करें कि मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आइए आपको ले चलते हैं, मिलवाते हैं सफाई कर्मचारियों से, उनके मुद्दे क्या हैं। इधर बीबीएमपी में 3500 सैनिटाइज वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं। अच्छा, कब से करते हैं स्वीपिंग का काम? आप परमानेंट हैं या ठेके पर हैं? डायरेक्ट पेमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन 1500 कुछ ऑटो टिपर ड्राइवर्स लोग हैं। 2018 में वो कितना बहुत ज़्यादा सैनिटाइज वर्कर्स था वो डिवाइड कर दिया सरकार ने, और ऑटो ड्राइवर्स एंड हेल्पर्स को कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया। उसके बाद में स्वीपिंग करने के लिए वो सैनिटाइज वर्कर्स को सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए मना किया है। उसके बाद में उसको क्या फंडामेंटल क्या मिलना है वो वीकली आपको नहीं, वो ऑल इंडिया कुछ उसको लीव बोले तो उसको क्या वो भी नहीं मिल रहा है, फिर वो मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। अभी भी ये प्रॉब्लम्स है बीबीएमपी में है, वो अभी उसको रेस्ट रूम नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं वो बीजेपी कांग्रेस सभी आया है, उसके बाद में वो लोगों ने हम लोग ने कुछ नहीं किया, सभी आदमी बोल रहे हैं क्या इसे करेगा ये करेगा बोल के, वो बोल रहे हैं हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। ये सही का प्रॉब्लम है, पीएफ का भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा बहुत उसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो रेस्ट रूम नहीं है। ये बैंगलोर ऐसा है महानगर में किधर भी बाथरूम टॉयलेट नहीं है, तो ये लोगों ने पानी नहीं पीता। इसके लिए 2008 से ओनली केरपुरम माधेपुरा उसमें मोर देन 60-70 वर्कर्स से डेथ हुआ है। उसका प्रॉब्लम क्या है, किडनी फेलोर है, लिवर फेलोर है, ब्लड फेलोर है, ऐसा बहुत बीमार को एक वर्कर लोग हो रहा है। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले जो भी आते हैं हम लोग उनको कुछ भरोसा नहीं है, लोग कुछ मदद नहीं करते हैं, और जाहिर सी बात हमारा 16,000 वेतन आता है बेंगलोर जैसे शहर में, और स्कूल हमारे बच्चे सब स्कूल पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ता है, हमारा सब घर घर में छः बच्चे लोग रहते हैं, सबको ये नहीं दे पाते हैं, और वही सब नगर वाले ना अगर हम लोगों का प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा आवाज उठा के बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कल से आप बताएंगे इसी डर में हम लोग। दोस्तों बहुत खास है बेंगलोर में ये सफाई कर्मचारी, ये महिलाएं और पुरुष, इन्होंने जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी पिछले एक साल से खास तौर से और उसमें जीत भी हासिल की, इन्होंने जीत हासिल की क्योंकि इनका साफ साफ मानना था कि इन्हें ठेके पे गुलामी नहीं चाहिए, ठेके प्रथा के खात्मे के लिए वे सड़क पर उतरे थे और पूरे बेंगलोर को चमचमाने वाले ये सफाई कर्मचारी बहुत साफ मांग कर रहे थे कि 14,000 रुपये जो उनको दिए जाते हैं इसमें वे परिवार को नहीं चला सकते,
और इन्होंने हड़ताल की और उसके बाद कम से कम एक दो कदम की जीत हासिल की कि अब ठेकेदार नहीं सीधे भुगतान होता है, भुगतान भी बढ़कर होता है, थोड़ी वर्किंग कंडीशंस भी चेंज हुई हैं, बदली हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी और उनके चुनावी मुद्दे जो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे भाजपा के चुनाव प्रचार में, क्योंकि वहां तो सिर्फ धर्म और नफरत का बोलबाला है। इसके बारे में भी वो इलेक्शन ड्यूटी में आ गया, इलेक्शन काम के लिए कोई वो रैली में वो कांग्रेस का रैली हो, बीजेपी का रैली हो, हम लोग का रैली में भी थोड़ा आ रहा है। वो आने के बाद वो बोल रहे हैं नहीं, ये उसको नोटिस भी मिला है। वो बस झूठे बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं हम लोगों से वोट छीनने के लिए, और हमारा जो कंडीशन है वो वैसे ही रहेगा। वो डेथ होने के टाइम में 20,000 बोल के वो उसको क्रिमिनेशन करने के लिए दे रहा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं देता है। दिन में काम कर रहे हैं, डेली वेजेस के लिए कर रहे हैं, तो ये डेली वेजेस जाके मंथली 4,000 आना शुरू किया, मंथली 4,000 आ रहा था, फिर मंथली 5,000 आना शुरू हुआ। ये सब टेक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के नीचे थे, फिर बाद में आया संगठन, आते आते हम लोगों को 12,000 मिलना शुरू हुआ और हम लोग सब डायरेक्ट पेमेंट अंडर GDFP आना शुरू किया। अभी हम लोगों को 16,000 मिल रहा है, पर वो भी अगर एक दिन दो दिन कभी छुट्टी होता है, कभी दुकान से या कहीं पर जाने पर, वो लोग उसमें भी कटता है। सैनिटरी वर्कर में दो कैटेगरी है, एक स्वीपिंग करने के लिए कैटेगरी है, दूसरा एक है सभी घर घर जाके गार्बेज कलेक्ट करते हैं। ये गार्बेज कलेक्ट करने के लिए करना था, और ड्राइवर को हेल्पर वो उसको कोई सरकार का जिम्मेदार नहीं है। हम लोग 2500 4,000-5,000 से काम करके आए हैं, अभी हम लोगों का पेमेंट 18,000 अभी हम लोगों का जो सैलरी है वो 16,000 तक हुआ है। ये सब हमारा संघर्ष से ही हुआ है, हम लोग संगठित होने के बाद ही ये सब होना हुआ है। अभी तक भी उसका साथ वो कॉन्ट्रैक्टर का साथ है, वो भी 4,000-6,000 इतना भी पेमेंट देता है। हम लोगों ने उसका बारे में भी हम लोगों ने इधर बहुत बड़ा लड़ाई किया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में 10 तारीख को मतदान होना है, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे कर्नाटक में एक नफरत का माहौल और एक धर्म आधारित राजनीति का माहौल बनाया है, वह बहुत जानबूझ के बनाया है, क्योंकि जनता के जमीनी मुद्दों पर वह पूरी तरह से विफल रही है, चाहे मामला महंगाई का हो, नौकरी का हो या फिर भ्रष्टाचार का हो। इन तमाम सवालों पर कर्नाटक की जनता, दरअसल भारतीय जनता से, पार्टी से जवाब मांग रही है, और उन जवाबों की जगह मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी की पूरी भाजपा सरकारें और उनके मुख्यमंत्री परोस रहे हैं धर्म और नफरत। शायद यह गंभीर चिंता का विषय है। बीजेपी जो भी फायदा तो किया है, सही फायदा किया है, बड़े बड़े मालिक लोगों को, सीट लोगों को, हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया है। और आश्वासन तो ऐसे ही देते रहते हैं कि बिल्डिंग करा देंगे, सैनिटाइजेशन लोगों का थोड़ा व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर सब झूठा आश्वासन है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी सैनिटेशन वर्कर्स की मांग पर काम कर रही है यहाँ पर? नहीं, इधर वो एक कांग्रेस भी था, उसके बाद में बीजेपी भी आया था। ये लोग पूरा कोई आदमी लोग इसका बारे में जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। We are looking forward this many things happened in BJP, now the hope is like some Congress comes and it might be some official act. अभी भी वो सैनिटरी वर्कर ने 40-60 years से इधर काम कर रहे हैं, अभी उसको भी वो BBMP का ऑफिस किधर है बोले तो मालूम नहीं था। हम लोगों ने उसको संगठन करके उसको देखा आया, ये आप लोग का ऑफिस है, आप लोग ने इधर आके पगार मांग सकते हैं। इसके बाद में अभी 2018 से अभी तक बाहर आ रहा है। अभी बाहर आने के आदमी लोग को इतना साल से कुछ भी नहीं मिला, ये पूरा शेड में है, बहुत ज़्यादा 60-70% ये वर्कर लोग शेड में है।
उसके कोई टॉयलेट का है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, 8 साल वो बीजेपी वाले जो है घर के आसपास आए थे, बोले थे कि आप सबका स्थिति कैसा है और आपका बच्चों को कहाँ पर पढ़ाते हैं, सब बोले कि गवर्नमेंट स्कूल में, पर बोले कि हम लोग देंगे पैसा, आप प्राइवेट में भर्ती कीजिए, 30,000 देंगे वो 1 साल में, ऐसे बोल के गए थे। और फिर बाद में सब लोग उनको प्राइवेट में भर्ती करने के बाद 30,000 तक नहीं आया। इतना साल से हम लोगों ने बाहर नहीं देखा है, अभी बाहर आके थोड़ा देख रहे हैं। वो हम लोग में घर चाहिए, हम लोग का भी अच्छा, उनको भी नोटिस दिया है। हाँ, उसका भी नोटिस दिया है। नोटिस दे के सरकारी लोग अधिकारी कोशिश डराने के लिए सोच रहे हैं, आप लोग को परमिट नहीं होएगा, इस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है। इससे बहुत बड़ा ये मुद्दा बन रहा है, मुद्दा बन रहा है। अभी आपको इलेक्शंस में क्या लगता है कि किसका जीत होगा, किसका हार होगा? बीजेपी ने अच्छा काम किया या बीजेपी चेंज होगा? चेंज होगा। दोस्तों, आप सब ने सुना इन महिलाओं को, पुरुषों को, ये कन्नड़ में बात कर रही थी और हमने कोशिश की इसका तर्जुमा ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने की। मतलब बहुत साफ है इनका, इनका कहना है इन्हें जीने का हक चाहिए, गरिमा से जीने का हक चाहिए, सम्मान भरा रोजगार चाहिए, जिसे देने में भाजपा की कर्नाटक सरकार पूरी तरह से विफल रही। ये मांग कर रही हैं कि धर्म नहीं, उन्हें रोजगार और बुनियादी जीवन का सम्मान चाहिए। और शायद अगर ये चुनावी मुद्दे बनते हैं तो कर्नाटक की तस्वीर निश्चित तौर पर बदलेगी। शुक्रिया।